पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, उसके बाद आपने देखा कि मुख्तार अंसारी का मुकदमा जो चल रहा था बनारस में बड़े भैया स्वर्गीय अवधेश राय जी के हत्या के बाद से, उसमें मैं चश्मदीद गवाह भी हूं, वादी मुकदमा भी हूं और पूरी तरीके से वही एक ऐसा मुकदमा है जिसमें मुख्तार अंसारी को 100% सजा होगी। हम सब लोग उसे मजबूती से गवाही कर चुके हैं। जीरा का कार्य चल रहा था जब बनारस में बम ब्लास्ट हुआ था, जीरा के दौरान बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद मुख्तार अंसारी एंड गैंग ने उसको हाईकोर्ट से स्टे करा दिया था और वो 12-14 साल हाईकोर्ट में मुकदमा स्टे हुआ। इसी तरीके से स्टे वैकेट कराया गया, वैकेट कराने के बाद अभी मुकदमा स्टार्ट हुआ है, फिर जीरा शुरू हो गई। वहां पे हम लोगों ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी आप सबके माध्यम से, मुख्यमंत्री को चिट्ठी में लिखा था 6-2 तारीख को, 6 तारीख दूसरा महीना फरवरी का महीना था, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि अतिरिक्त सुरक्षा हमें दी जाए। अतिरिक्त सुरक्षा तो छोड़ दीजिए, जो वर्तमान में एक गदर पूर्व विधायक के नाते मेरे साथ लगातार 10% के अंशदान पर वो भी परसों रात को विड्रॉ कर लिया गया और उसे भी हटा दिया गया कि नहीं अब आपको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है और उसे हटा लिया गया। उसके बाद 23 तारीख को कल हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखा कि ये देखिए सरकार हमारे साथ अत्याचार अन्याय कर रही है और तत्काल इस हस्ताक्षेप करिए, नहीं तो ये हमारी हत्या कराने के फिराक में पड़ेंगे। हत्या इसलिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब इतने दुर्दांत अपराधी के खिलाफ हम लोग न्यायालय में लड़ रहे हैं, मुकदमे में लड़ रहे हैं, ऐसा एक मुकदमा जिसमें सजा होगी और उसके अतिरिक्त सुरक्षा देने के देना तो अलग विषय है, आपने जो सुरक्षा मेरे साथ 4 साल से लगी थी पूर्व विधायक के नाते उसे भी विड्रॉ कर लिया, तो इस नाते मैं सीधे सीधे सरकार के ऊपर आरोप लगाता हूं कि सरकार हत्या कराना चाहती है, मरवाना चाहती है और हम सबकी आवाज को समाप्त करना चाहती है। पर ऐसा मेरे जीते जी नहीं होगा, जब तक शरीर में आखिरी बूंद है तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, न दैन्यम न पलायनम, हम लोग न डरने वाले हैं न भागने वाले हैं, दमदारी के साथ लड़ेंगे चाहे उसका जो परिणाम होगा, चाहे सरकार सुरक्षा दे न दे, हमें परेशान करे, प्रताड़ित करे, हमारे घर मकान गिरवा दे, जो भी कुछ कार्रवाई करनी हो योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को वो करें, उससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। अभी आपको बता दूं कि जब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा था हमने तो उसमें वहां से पत्र आया था और वहां पर लोकल थाने के और यहां के प्रशासन ने उसकी जांच की थी, तो ये गोपनीय कागज थाना चेतगंज का मुझे मिला था किसी के माध्यम से और ये पुलिस अधीक्षक नगर को जो ये हल्का इंचार्ज है हमारे यहां, उन्होंने लिख कर भेजा था, ये गोपनीय कागज मैंने निकलवाया कि इसमें अजय राय को जान का खतरा है, ये कागज है मेरे पास, ये गोपनीय कागज है। अब ये स्थिति है कि आप जब पुलिस के लोग बैठे लोग जब उसमें ये लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं उसके बावजूद ये सुरक्षा हटा ली जा रही है, इसका मतलब क्या कहा जाएगा? इसका मतलब ये कहा जाएगा कि पूरी तरीके से सरकार राजनीतिक विद्वेषवश हम लोग के खिलाफ कार्रवाई करा रही है और हम लोगों को समाप्त करना चाहती है, कांग्रेस पार्टी की आवाज को बनारस में दबाना चाहती है। पर हम सब लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम लोग सोनिया गांधी प्रियंका गांधी के सिपाही हैं, इनकी दबाने से इनकी सुरक्षा हटाने से ये आवाज बंद नहीं होने वाली है, बल्कि और मुखरता के साथ और दमदारी के साथ ये आवाज उठेगी और सरकार को जब तक हम लोग 2022 में जब तक समाप्त नहीं कर देंगे, योगी आदित्यनाथ की सरकार को जमीन दोज नहीं कर देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे और निश्चित तौर से ये सरकार उत्पीड़न की जो कार्रवाई करी है इसका जवाब देंगे।